अच्छा तू एक काम कर, मेरी भविष्यवाणी करके ये बता मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। प्रेम चौधरी का भविष्य बताने के लिए ध्यान से देखना दोस्तों, मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ जा रहा है। आप एक काम करें, आप घूम जाएं और घूम के थोड़ा नाचिए। थोड़ा और झुक के नाचिए, थोड़ा और उचकाइए ना। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही उचकिए। हाँ थोड़ा और उचकिए ना, थोड़ा और झुकिए। हाँ थोड़ा और प्रेम भैया नाचिए, झुक के थोड़ा और झुक सकते हैं हल्का। बस प्रेम भैया हो गया। भैया सुनिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके ऊपर एक कौवा बीट करेगा। अब दोस्तों ये वो हिस्सा है जहाँ पर कौवा बीट करेगा, ये हमको दिखाना है, तो इसलिए भैया सावधान हो जाइए मैंने बोला। उसके बाद एक बंदा आ गया और वो आइसक्रीम लिए हुए है, और मैंने फिर से रिपीट किया, और अब वो उसके मुंह पे डालेगा, प्रेम चौधरी के मुंह पे आइसक्रीम गिरेगी। ये कौवे का बीट नहीं है भाई, वो आदमी है ना, उसने आइसक्रीम गिराई। प्रेम भैया सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके ऊपर एक कौवा बीट करेगा। मैंने तो आपसे कहा था ना भैया, मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सच्ची होती हैं। मैं हमेशा बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करता हूँ भैया। जैसे अनंत और राधिका की शादी की भविष्यवाणी भी मैंने ही की थी। अच्छा, और 10 जुलाई की बारिश की भविष्यवाणी भी मैंने ही की थी। लेकिन 10 जुलाई को तो बारिश हुई ही नहीं। यही तो भविष्यवाणी मैंने की थी कि 10 जुलाई को बारिश नहीं होगी। 29 जून को टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, ये भविष्यवाणी भी मैंने ही की थी। हाँ, अच्छा ये बता मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। जी भैया जरूर। ये जो रेखा नीचे जा रही है, इसके ऊपर ये जो जा रही है रेखा, रे दूसरी वाली रेखा, ये गड़बड़ है प्रेम भैया। अच्छी खबर नहीं है भैया, आज के दिन आपका दूसरा हाथ भी टूटेगा। क्या बकवास कर रहा है भैया? मैंने अभी साबित कर दिया है भैया कि मैं बकवास नहीं करता हूँ, मेरी भविष्यवाणियाँ हमेशा सच साबित होती हैं। लगता है आज प्रेम भैया ठाकुर बन जाएंगे, पर समस्या ये है इनके पास तो कोई रामलाल भी नहीं है। I like it।